Good morning students, I am Acharya Lalit. Today in this video we will discuss the second lesson of class 8 English, the tsunami. Do you know what is tsunami and how it is so harmful for human being? You must have heard tsunami, you must have listened, but today we will learn then how tsunami comes and what happens, how harmful tsunami is for human being. You know, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. अब जानते हैं कि tsunami कैसे आता है. यह एक powerful wave है and it is caused by earthquake. और यह किसके कारण आता है? अर्थक्वेक के कारण, यानी भूकंप के कारण आता है, जो कि कहाँ आता है? अंडर द सी. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. ये कहानी 2004 की है, जब सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों को हिट किया था, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, बट हाउ सम फैमिली फेस्ड दिस सुनामी एंड हाउ दे सेव्ड हिज एंड अदर्स लाइफ. वी विल लर्न द स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. बट बिफोर देयर इज अ क्वेश्चन, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. ऐसे कुछ कहानी सुनने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि क्या एनिमल्स सुनामी को पहले भाप सकते हैं? कुछ ऐसी कहानियाँ मिली है जिससे पता चलता है कि एनिमल में ऐसा सिक्स सेंस होता है जो सुनामी के आने से कुछ पल पहले वो इसे महसूस कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर आफ्टर सुनामी, यानी सुनामी आने के बाद का ये दृश्य है. एंड हाउ हार्मफुल इट इज, हाउ डेंजरस इट इज, यू कैन रियलाइज बाय वॉचिंग दिस पिक्चर. बट बिफोर स्टार्टिंग and learning some stories, now we will watch a video of tsunami. Okay, tsunami kaise aata hai, now you can realize what happens under the sea. Under the sea earthquakes happens and how the waves rises and how it is destructive, how it is harmful, you can realize before hitting the coast of the area. The wave is just receding under the sea and thereafter it comes with a great force to hit the the coastal area. See, now you can see how the wave is coming and it will hit the part of area. You can watch how it is harmful, you can realize. You can see how it is destructive in this video. Now you have watched the video and you have realized that how tsunami is so destructive. Here are some stories of some families and what they did when they realized that tsunami is
what going to hit the area where they are living. Now see, these stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. Here archipelago means a group of many islands surrounding by sea. Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius एक व्यक्ति है जो मैनेजर है कोऑपरेटिव बैंक में. उसकी पत्नी सुबह सुबह अर्थक्वेक फेल्ट करती है, महसूस करती है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल. और जब उसकी पत्नी इग्नेशियस को उठाता है, वो भी रियलाइज करता है कि अर्थक्वेक महसूस करता है और वह टीवी सेट को टेबल के नीचे रख देता है. एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. ऐसा वो इसलिए करता है ताकि टेलीविजन सेट टूटे नहीं. देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस. और फिर फैमिली घर से बाहर निकल जाते हैं. व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड. ट्रेमोर्स मींस ए स्लाइट शेक. अर्थ ट्रेमोर्स द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. यानी जब कंपन स्टॉप होता है, रुकता है. दे सॉ द सी राइजिंग इन द कैओस एंड कन्फ्यूजन. तब वो सी की तरफ देखते हैं और जो समुद्र है उसकी जो स्थिति वो कैओस मीन्स कंप्लीट डिजॉर्डर और कन्फ्यूजन. यानी वो अपनी नेचुरल स्थिति में नहीं है. एंड कन्फ्यूज टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. To save their life, they rushed in opposite direction so that they can just save from hitting the strong or powerful waves of tsunami. He never saw them again. Lekin dobara wo kabhi mil nahi sake. His wife was also swept away. तब तक वो अपने घर से निकलते और सुरक्षित स्थान पर पहुंचते, उससे पहले ही सुनामी का वेव आ जाता है और वो लोग पानी में बह जाते हैं. उनकी पत्नी भी बह जाती है. ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. मात्र तीन ही बच्चे बच पाते हैं. संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. Now here is another story of Sanjeev, जो कि कच्चल आइलैंड में रहते हैं. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. ये जैसे तैसे अपने अपने बच्चे का और अपनी पत्नी का जीवन बचा पाते हैं. But then he heard cries for help from the wife of John. लेकिन जब वो अपनी पत्नी और बच्चे का जीवन बचा लेते हैं, अचानक वो आवाज़ सुनते हैं जॉन की पत्नी का. द हाउस वाइफ कुक, सॉरी द गेस्ट हाउस कुक. यानी उस गेस्ट हाउस कुक जो जॉन था उसकी पत्नी का. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर टू सेव हर लाइफ. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन वो दोनों भी उस वेव में बह जाते हैं. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea. यानी ये 13 साल की मेघना है, जो कि वह भी अपने पेरेंट्स के साथ और अदर 77 पीपल, यानी दूसरे भी बहुत सारे लोग जो कि फ्लोट कर जाते हैं. सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. दो दिनों तक वो लोग समुद्र में फ्लोट करते रहते हैं. होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर. ऐसा इसलिए क्योंकि वो वुडन डोर को कैच किए रहते हैं, जिसके कारण वो बच जाते हैं. 11 times she saw relief helicopters overhead.
जब वो वुडन डोर को होल्ड किए हुए थे, उस समय लगभग 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गया, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। सी वॉज ब्राउड टू द शोर बाई अ वेव, लेकिन अचानक एक वेव के कारण वो किनारे आ जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और उसे देखा जाता है कि वह बहुत घबराई हुई, डेज मीन्स घबराए हो क्या ना, सी शोर पर वो वॉक करते रहती है। ये स्टोरी था मेघना का। हेयर इज द अनदर स्टोरी ऑफ अलमास जावेद। वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, हर मदर राहिलाज होम वॉज इन ननकौरी आइलैंड, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यानी अलमास और उसकी फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं ननकौरी आइलैंड पे। वेन द ट्रेमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और जब वहाँ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली रुकी होती है, अचानक सुबह में दे ऑल जस्ट फेल्ड द ट्रेमोर्स। ट्रेमोर्स मीन्स कंपन, यानी वो अर्थक्वेक को फील करते हैं। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अलमास के पिता देखते हैं कि सी वाटर जो है वो रिसीड कर रहा है, यानी सी वेव जो है किनारे को छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, एंड ही रियलाइज दैट द वेव विल रश बैक इन ग्रेट फोर्स। यानी उन्हें महसूस हो जाता है कि अब ये वेव बहुत तेज़ी से इस एरिया को हीट करने वाला है। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और फिर सबको जगाया, सोचा कि इन लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वो बाहर निकल रहे थे, अचानक उसके ग्रैंडफादर के सर पर कोई चीज़ जोर से लग जाती है और वहीं पर गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर दौड़ते हैं ग्रैंडफादर को बचाने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और अचानक वो जो जाइंट वेव है, वो बड़ा सा पावरफुल वेव आ जाता है और उसके फादर और ग्रैंडफादर उस वेव में बह जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, लेकिन अलमास की जो माँ है और उसकी आंट्स है, वो एक कोकोनट ट्री को क्लिंग्स मिस पकड़ लेना, चिपक जाना, उसको होल्ड करके वो कुछ देर रहती है, कॉलिंग आउट टू हर, और वो पुकारती है उसका नाम। ए वेव अपरूटेड द ट्री, अचानक इतनी तेज वेव आती है और वो कोकोनट ट्री जड़ से उखड़ जाता है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो लोग भी अपनी जान गंवा देते हैं। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अचानक अलमास की नज़र एक बहते हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और वो बेहोश हो जाती है। वेन सी वोक अप सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कामोटा, जब उसे होश आता है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्राउड टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल से पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, जब उसे पूछा जाता है उस इंसिडेंट के बारे में, तो वह किसी से उस इंसिडेंट का जिक्र नहीं करती है। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वह अभी भी काफ़ी घबराई और शॉक्ड है। नाउ डू द कम्प्रिहेंशन चेक इन सेकेंड वीडियो, वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ सुनामी। ओके, थैंक यू।